छह साल की मासूम बच्ची को कैंडल मार्च निकालकर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पुलिस सहायता केंद्र पर समाज सेवियों ने छह साल की मासूम बच्ची को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। अमन लोधी अमोल ने बताया कि विधानसभा करेरा के ग्राम बढ़ोरा में शनिवार को छह साल की मासूम बच्ची का शव सरसों के खेत में मिला। बच्ची शुक्रवार को गांव में ही गोड़ बाबा मंदिर पर भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा सुनने अपनी माँ के साथ गई थी। माँ वापस आ गई लेकिन बच्ची नहीं आई, तो फिर परिजनों को बच्ची को इधर उधर ढूंढा लेकिन जब वो नहीं मिली तो करेरा थाने में रात में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सुबह बच्ची को और ढूंढा तो मिडिल स्कूल के पीछे सरसों के खेत में बच्ची का नग्न अवस्था में शव मिला। घटना की जानकारी लगते ही करेरा पुलिस पहुंची थी, लेकिन परिजनों सहित गाँव वालों ने आरोपी को फांसी की सजा की मांग करते हुए जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे थे। जब शिवपुरी कलेक्टर व SSP पहुंचे तब कहीं जाकर परिजन पोस्ट मार्टम करने हेतु तैयार हुए। करेरा में रविवार को समाज सेवियों ने शाम 6 बजे पुलिस सहायता केंद्र पर बच्ची को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नगर में कैंडल मार्च पुलिस सहायता केंद्र से मंगल पांडे स्मारक तक निकाला गया। मंगल पांडे स्मारक पहुंचकर बच्ची को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद 2 मिनट का मौन धारण किया गया, जिसके बाद अमन लोधी अमोल व सतीश फौजी नेता ने प्रशासन से मांग की है कि आपके पास 24 घंटे का समय है और बच्ची के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंगलवार को पुलिस सहायता केंद्र प्रदर्शन किया जाएगा, फिर SDM कार्यालय पर घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अमन लोधी अमोल समाजसेवी सतीश फौजी पूर्व जिला पंचायत सदस्य मानसिक फौजी नरेंद्र राजा नितिन लोधी अनिल राय नवल लोधी मनोज कुशवाहा रामलाल कुशवाहा संतोष कुशवाहा लाली बेदौरिया राजेंद्र गौतम शिवेंद्र यादव राजा परिहार उत्कर्ष वाजपेयी संतोष राजपूत सहित अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट संजय गुप्ता बलैया करेरा। आज जो पुलिस सहायता केंद्र से मंगल पांडे स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अमल लोधी है, समाज सेवी हूँ और मैं इस पर कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। इन दरिंदों ने इस फूल सी बेटी के साथ जो गलत कार्य कृत्य किया एवं उसको मौत के घाट उतारा, और वो फूल सी बेटी हिंदुस्तान की हम सबकी बेटी थी, और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन दरिंदों का जल्द से जल्द पता लगाने में कामयाब हो, जल्द से जल्द उन्हें कार्रवाई कर उनको जेल भेजने का काम करें, और जो आर्टिकल के तहत जिन धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई हुई है और उसको तत्काल उसमें जो बायलॉज में आती हैं उस धाराएं उनके तहत जिस तरह का न्याय दिया जाना चाहिए उस तरह का न्याय मिले बेटी को, पूरे घर वालों को। हम सब लोग साथ में हैं और हर तरह का संरक्षण हम वो घर अब अकेला एक किसी जाति विशेष का नहीं, वो घर हमारा सबका घर है, उस घर परिवार के साथ हम सब लोग मदद करेंगे।